हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर आपको एक अच्छा और स्टेबल रिटर्न देखने को मिले और जब मार्केट डाउन हो तो आपका फंड कम गिरे। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से कई लोग हमसे पूछते रहते हैं इंटरनेशनल फंड के बारे में कि इंटरनेशनल फंड के बारे में बताएं, और आप में से कुछ लोगों ने हमसे टॉप इंटरनेशनल फंड के बारे में भी पूछा है। तो इसीलिए आज हम आपको इंटरनेशनल फंड के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फंड क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, फिर हम देखेंगे टॉप 3 बेस्ट इंटरनेशनल फंड को, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए इंटरनेशनल फंड्स में। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेशनल फंड के से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं। इंटरनेशनल फंड्स एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं और ये उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया लिस्टेड हैं। इन कंपनीज के जरिए आप दुनिया के कुछ बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स के थ्रू आप फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा रेयरली ही होता है कि सभी मार्केट गिर जाए। अभी की सिचुएशन की बात अलग है, यहाँ पर हम अभी की सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस कोरोना वायरस की सिचुएशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन और सभी सिचुएशन से थोड़ा अलग है और ऐसा पैंडेमिक बार बार नहीं आता है जिससे कि पूरी दुनिया ही लगभग पूरी दुनिया की हालत खराब हो जाए। ये इंटरनेशनल फंड्स उन लोगों के लिए सुटेबल है जो कि 5 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल फंड्स को फॉरेन फंड्स भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स के बीच इंटरनेशनल फंड्स काफी पॉपुलर हुए हैं वोलेटाइल लोकल मार्केट्स और इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स की वजह से। 2007 में RBI के परमिशन मिलने पर इंटरनेशनल फंड्स की शुरुआत की गई थी। अब आइए देख लेते हैं इंटरनेशनल फंड्स के टाइप्स को। तो फर्स्ट टाइप है इसमें इमर्जिंग फंड्स। ये इंटरनेशनल फंड्स इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि चाइना, रसिया, ब्राजील एटसेट्रा। चाइना ने US को पास कर दिया है और अब वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। रसिया नेचुरल गैस का बिग प्लेयर है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। इन कंट्रीज में आगे चलकर ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं, इसीलिए ये कंट्रीज इन्वेस्टर्स के लिए हॉट प्लेस बनी हुई है। सेकेंड टाइप है डेवलप्ड मार्केट फंड्स। अब जैसा कि इनका नाम है, ये डेवलप्ड और मेच्योर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मेच्योर मार्केट ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए भी ये एक काफी अट्रैक्टिव फंड है। थर्ड टाइप है कंट्री स्पेसिफिक फंड। ये फंड किसी स्पेसिफिक कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। आप केवल एक स्पेसिफिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से यहाँ पर आपको इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे हैं वेरियस रीजन की वजह से। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि इन फंड से उन लोगों को दूर रहना चाहिए जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं है और जो बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है कमोडिटी बेस्ड फंड। ये फंड कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड या कोई प्रीसियस मेटल हो गया, क्रूड ऑयल, वीट एटसेट्रा। कमोडिटीज में डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है और इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज की तरह काम करता है। फिफ्थ टाइप है थीम बेस्ड फंड। ये फंड एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी और कुछ कंपनीज जैसे कि सीमेंट, स्टील वगैरह। अब आइए फटाफट देख लेते हैं टॉप 3 बेस्ट इंटरनेशनल फंड्स को। आज जो 3 फंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। इस वीडियो में हम रेगुलर प्लान के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होता है जो कि सही नहीं है। तो फर्स्ट फंड है हमारा फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड। ये काफी अच्छा फंड है, जब से लॉन्च हुआ है इसने 15% का रिटर्न दिया है। ये एक फीडर फंड है। फीडर फंड को फंड ऑफ फंड भी कहा जाता है, मतलब कि ये फंड फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करता है जो कि एक ओवरसीज फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड का। और ये फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये काफी अच्छा इंटरनेशनल फंड है और इसने 1 साल में 30% के लगभग, 3 साल में 22% के लगभग और 5 साल में 15% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। फंड इन्फो की बात करें तो इसके रेगुलर प्लान को 2012 में लॉन्च किया गया था। AUM इसका 1515 करोड़ का है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं प्यारी मेनन। इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में और एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.61%, 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। सेकेंड फंड है हमारा ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये भी एक काफी अच्छा फंड है। इसने जब से यह लॉन्च हुआ है 16.68% का रिटर्न दिया है। ये फंड अमेज़न, फेसबुक, बैंक ऑफ अमेरिका, नाइकी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है।
चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 22% के लगभग, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 17 और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 13% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। इस फंड को लॉन्च किया गया था 2012 में। एयूएम है इसका 587 करोड़ का। फंड मैनेजर इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, प्रियंका खंडेलवाल और रोहन मरू। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 1.79% और एग्जिट लोड इसमें 1% का लगेगा अगर आप 30 डेज के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। थर्ड फंड है हमारा निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है 14.33% का रिटर्न दिया है। ये फंड यूएस की काफी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक एटसेट्रा। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 22% के लगभग, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 18% के लगभग और 5 ईयर्स का इसका रिटर्न नहीं है क्योंकि अब ये 2015 में ही लॉन्च हुआ है। एयूएम है इसका 122 करोड़। इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, किंजल देसाई और अंजू छाजर। मिनिमम एसआईपी आप 100 से कर सकते हैं इस फंड में जो कि काफी अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 1.50% और एग्जिट लोड 1% का लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। तो ये थे टॉप 3 बेस्ट इंटरनेशनल फंड। अब आइए शॉर्ट में देख लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन और बढ़ जाता है। अच्छे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि इंटरनेशनल फंड्स के थ्रू आप फॉरेन मार्केट का भी एक्सपोजर पा जाते हैं। इसका करेंसी फ्लक्चुएशन में भी काफी फायदा मिलता है। जैसे कि अगर कोई स्कीम यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर रही है तो जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू बढ़ेगी। टैक्सेशन की बात करें इंटरनेशनल फंड्स की तो इंडिया में इंटरनेशनल फंड्स का टैक्सेशन लगभग डेट म्यूचुअल फंड्स के बराबर है। अगर आप 36 मंथ से पहले रिडीम करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के बदले जो भी रिटर्न मिलेगा उसको एनुअल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आप 36 मंथ के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये 10% विदाउट इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन के साथ 20% है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए इंटरनेशनल फंड्स में। तो इंटरनेशनल फंड्स में आप अपने पोर्टफोलियो का 10-15% ही इन्वेस्ट करें, इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट ना करें ताकि आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल फंड पर ये डिटेल वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को हमने काफी मेहनत से बनाया है, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किए बिना ना जाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप चाहे तो इन सभी फंड्स में ग्रो ऐप के थ्रू बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इंटरनेशनल फंड के बारे में तो आप हमें उसे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।